अब तक हम आपके बारे में कुछ चार्ट थे, बुक थे और वीडियो देख के समझते थे। आज हम इसको एक्चुअल में डिस्कस करेंगे कि ममेलियन जो आई है उसमें लेंस कहाँ पे है और उसके कौन से पार्ट कहाँ पे है, ये हम देखेंगे। तो चलिए आइए, हम ये जो ममेलियन आई है, जो बकरी की आँख है, जो हमारे आँख के बिल्कुल सिमिलर है, हम उसका डिसेक्शन करेंगे। आइए, जब हमारे हाथ में हमारा स्पेसिमन आ जाता है तो आप देखेंगे कि इसके चारों ओर ये जो है ये मसल्स है और फैटी टिश्यूज़ है, ये सीलियरी मसल्स हैं। तो इसको जब काटेंगे तो एक ब्लेड लेके या एक कटर लेके इसको एक्चुअल में बिल्कुल टू हाफ में कट करना है। टू हाफ कौन से होंगे? सामने वाला जो पार्ट है वो कॉर्निया वाला फ्रंट पार्ट है और पीछे वाला जो पार्ट है वो ऑप्टिक नर्व का पार्ट है। तो अब हम इसको धीरे से टेबल पे रख के, वैसे हमारे पास प्लेट नहीं है, करना चाहिए, हम इसको बाद में पानी में डालेंगे। तो अब मैं इसको धीरे धीरे दो हिस्सों में कट कर रही हूँ। आप देखोगे जैसे ही मैं कट कर रही हूँ एक प्रकार का ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर आ रहा है। बिल्कुल घबराना नहीं है लिक्विड को देख के। अब ये क्या है ये हम देखेंगे। देखो मैं इसके बिल्कुल दो पार्ट करने जा रही हूँ और जैसी मैं दो पार्ट करती हूँ अंदर देखो ये बाहर वाला हिस्सा पूरा आता है। अब ये जो ब्लैक वाला है, वाइट वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो होता है एक्वस मैटर, और जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है यदि मैं इसको और कट करूँगी तो ये वाला हिस्सा होता है विट्रस मैटर। इस मैटर में ही रॉड और कोन जो सेल्स होते हैं वो होते हैं जो हमारे लाइट को रिसेप्ट करते हैं, इसीलिए इनका कलर ब्लैक है। सामने वाला देखो, पीछे वाला हिस्सा, ये जो मसल्स हैं ये सारे ऑप्टिक नर्व से जुड़े हुए हैं, ये ऑप्टिक नर्व सीधा ब्रेन तक सिग्नल ले जाते हैं। अब इसका जो फ्रंट पोर्शन है, आप देखो ये वाला जो है, ये जो हिस्सा नीला कलर का दिखाई दे रहा है ये रेटिना है, और ये जो मेरे हाथ में ब्लैक कलर, ये रॉड्स एंड कोन सेल्स है, ये देखो ये है। यहाँ पे रेटिना में इमेज बनती है और यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये स्क्लेरा है, और उसके अंदर में एक थिक वाली लेयर होती है वो कॉर्निया है। एक्चुअली हम डोनेट करते समय आई को कॉर्निया ही बदलते हैं। अब हम इसका बचा हुआ हिस्सा देखेंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है ये वाला एक्वस मैटर है, विट्रस मैटर में रॉड्स एंड कोन होते हैं। तो अब हम इसको जब हाथ लगाएंगे तो देखो कितना सुंदर लेंस जो होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस को दिखाने के पहले एक बार और हम यहाँ नजर डालेंगे कि जो स्क्लेरा था जो मैंने दिखाया था आपको, उसके अंदर में जो कलर है इसका वो ब्लैक था। इसका मतलब इसका जो आयरिस का कलर है जिससे आंखों का कलर आता है, किसी का ये ब्लू होता है, किसी का ये ग्रीन होता है, किसी का ये ब्राउन होता है, तो ये आयरिस का कलर है। उसके अंदर में ये देखो यहाँ से छोटा सा एक छेद है, ये छेद जो है उसे प्यूपिल कहते हैं। वो प्यूपिल इस लेंस तक लाइट को अंदर लेके जाता है और ये कॉन्वेक्स लेंस इस लेंस से रेज जाकर, देखो कितना सुंदर लेंस है ये। हाथ देखो हाथ में कितना है, बच्चों देखो हाथ में हाथ लगा के लेंस को छू, ऐसे ऐसे करो, देखो है ना लेंस कितना है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो जब प्रकाश की किरणें लाइट रेस प्यूपिल से अंदर जाती है, कॉर्निया उनको क्लियर रास्ता देता है और प्यूपिल से वो अंदर जाके इस लेंस से टकराती है, और पीछे का ये जो हिस्सा है यहाँ पे रेटिना में इमेज बनती है, और ये इमेज के सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये देखो पीछे जो मसल है, कुछ यहाँ पे सिलियरी मसल है जो ब्रेन का साइज को, ये जो ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाते हैं और इसको अपना शेप देते हैं, आंखों को बड़ा शेप देते हैं। तो इस तरह से जो आई है उसको हम डिसेक्ट करके पता लगा सकते हैं। ज़्यादातर हम यही नहीं जानते कि लेंस कैसा दिखता है। ये जो है ये सिलियरी मसल और कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट होता है और ये अपना आकार कम ज़्यादा इसी के कारण होता है, क्योंकि आँखों को देखने के लिए जो मसल्स है इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है वो लेंस के दोनों ओर होते हैं जो इसको खींच के रखते हैं। तो अब हमने ये देख लिया है, तो ये हमारा है लेंस और उसके आजू बाजू के जो टिश्यूज़ हैं, एक्वस मैटर हैं वो है, पीछे वाला ये जो है ये रेटिना है, सामने वाला जो हिस्सा है ये दिख रहा है जो चमक रहा है एकदम फिल्म जैसा, ये कॉर्निया है, बाहर जो वाइट कलर का है ये स्क्लेरा है, और इसके अंदर में देखो, अब आप देखो ये छेद दिख रहा है,
ये जो छेद है ये प्यूपिल है, लाइट यहाँ से एंटर होती है और वो लेंस तक जाती है। तो इस प्रकार हम बच्चों को आराम से बता सकते हैं कि हमारा आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। थैंक यू।